अरे गाइस आप लोग आ गए, सो ही व्हाट आई, कैसे हैं आप लोग। सो गाइस अभी हम पुलिस स्टेशन में जा रहे हैं। अरे सिंचन वैसे हम पुलिस स्टेशन में क्यों जा रहे हैं? ये मसाओ तुम्हें पता नहीं हम क्यों जा रहे हैं। अरे हम उसे देखने जा रहे हैं, वो जेल में बंद क्यों था। अच्छा सिंचन, वो आदमी जिससे कल हम जैक भैया और मैं और विक्की सना मिले थे। अरे हाँ उसी से मिलने जा रहे हैं। सो गाइस अभी हम उससे मिलते हैं, लेकिन वो जेल में बंद क्यों और कौन है वो। चलो गाइस अभी हम उससे मिलने जाते हैं। अरे वैसे विक्की सना ने हमें उसके बारे में बताया ही नहीं। वैसे जैक भैया तो बोल रहे थे कि वो उसका भी ड्राइवर का चेला है। चलो अभी हम जाके देखते, फिर हमें पता लगेगा। सो आप देख सकते ये है वो कमिंग राइडर का चेला। अरे तुम कौन है, तुम्हें क्या चाहिए? अरे हम तो आपसे ऐसे ही मिलने आए थे, वैसे आप कैसे हैं? अरे मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम अपने बारे में बताओ। अरे आप जेब में चाकू लोहे का पाइप क्यों रखते हैं? अरे मुझे कोई भी खतरा दिखता है तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। जब हम चलते हैं। अच्छा ठीक है चलो। अरे गाइस आप देख सकते हैं तो बहुत खतरनाक आदमी है, ये जेल में बंद क्यों है? वैसे तो एक बार रिची भैया भी जेल में बंद थे तो हमने उन्हें छुड़वाया था। यही ने भी तो हम छुड़वा सकते हैं। गाइस चलो अभी हम किसने से जाके पूछते कि ये आदमी कैसे और ये जेल में क्यों बंद है। चलो अभी हम सबसे पहले अपने घर पे चलते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं हम घर पे आ चुके हैं। चलो अभी मैं विक्की सिन्हा से पूछता हूँ। अरे विक्की सिन्हा, विक्की सिन्हा सुनो। अरे हाँ सिंचन, क्या हुआ? ये विक्की सिन्हा वो जो कामिन राइडर का चेला था ना, वो कौन था? अरे कामिन राइडर का चेला? अच्छा वो मुझे तो नहीं पता, वो जैक को ही पता है कौन है। ओए वो तो बहुत खतरनाक आदमी है, वो जेल में बंद है। ये जब मैं ये तो बताओ वो जेल में क्यों बंद है? और इसके बाद बहुत खतरनाक सुपर पावर है, इसलिए वो कामिन राइडर का चेला था। कामिन राइडर ने उसे अपनी सुपर पावर दे दी थी और वो उसका गलत इस्तेमाल करने लगा था, इसलिए वो जेल में चले गया। अरे क्या उनपे सुपर पावर थी? अरे उन्हें छुड़वा देते है ना जेल से। ओए नहीं, उसे नहीं छुड़वा सकते, वो बहुत खतरनाक है। अच्छा ठीक है। अच्छा वैसे विक्की सिन्हा, आपने रिची अंकल को क्यों छुड़वाया था फिर जेल से? अरे वो तो अच्छा आदमी था, वो गलती से जेल में चला गया था इसलिए उसे छुड़वाया था। अच्छा उसे छुड़वाने में आपकी किसने मदद करी थी? वैसे तू क्यों पूछ रही है? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ जनरल नॉलेज के लिए। ये सब जनरल नॉलेज में नहीं आता, चल तू अपनी पढ़ाई कर। नहीं बता दो ना। अच्छा किरिल ने हमारी मदद करी थी उसे रिची को छुड़वाने के लिए। अच्छा ठीक है हम चलते हैं। अच्छा सिंचन तुम ये तो बताओ, तुम रिची अंकल के बारे में क्यों पूछने लगे थे विक्की सिन्हा से? जैसे रिची अंकल को किरिल अंकल ने छुड़वाया था, वैसे इस कामिन राइडर के चेले को वही तो छुड़वा सकते हैं। अरे कौन छुड़वा सकते हैं? अरे किरिल अंकल छुड़वा सकते, तुम इतना भी नहीं जानते। अरे वैसे उसका नाम क्या है कामिन राइडर के चेले का? वो तो मैं भूल ही गया पूछना। चलो तुम अभी यहीं पे इंतजार करो, मैं पूछ के आता हूँ वो जैक अंकल से। अच्छा ठीक है तुम जाओ सिंचन। तो गाइस आप देख सकते हैं सिंचन कितना बेवकूफ है, वो नाम ही पूछना भूल गया। चलो अभी मैं सिंचन का इंतजार करता हूँ। इस मसाओं में आ गया पूछ के नाम। अच्छा सिंचन तुम नाम पूछ के आ गया। अच्छा उसका नाम है क्या? ये उसका नाम रेंच है। अच्छा उसका नाम रेंच है। चलो अब किरिल को बोलते हैं कि रेंच को जेल में से कैसे छुड़वा सकते हैं। अरे किरिल अंकल, किरिल अंकल। अरे हाँ बोला मैं साहब, क्या हुआ? ये किरिल अंकल आपको पता है आपने रिची को कैसे जेल में से छुड़वाया? अरे हाँ मैंने रिची को जेल में से छुड़वाया था, ये बहुत आसान था। ये अच्छा आप रेंच अंकल को भी जेल में से छुड़वा सकते हैं? वो एक आदमी है जेल में फंसा हुआ है, वो बहुत बेकसूर है। अरे क्या वो बेकसूर है? चलो फिर तो उसे जेल में से छुड़वाना ही पड़ेगा। अच्छा तो आप मुझे बताइए कि उसे जेल में कैसे छुड़वाना पड़ेगा? अरे तुम बस इस गोले के अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें सब बता दूंगा। अच्छा ठीक है मैं आ जाता हूँ। अच्छा मैं बताता हूँ, उसके लिए तो मुझे बस 3 हैकिंग डिवाइस चाहिए होंगे। क्या 3 हैकिंग डिवाइस? अरे हाँ मैं बताता हूँ, एक तो पुलिस के अंदर होगा, एक वहाँ पे होगा मिलिट्री बेस के उधर वाली तरफ। अच्छा अच्छा मैं समझ गया। और एक वहाँ पे होगा पॉक्सर स्टूडियो के दूसरे स्टूडियो में। अच्छा मैं समझ गया। अच्छा मुझे वहाँ से 3 हैकिंग डिवाइस लाने। अरे सिंचन चलो अब चलते हैं, सबसे पहले आप पुलिस स्टेशन में से उठा के लाते हैं हैकिंग डिवाइस। ये अगर हमारे पास पुलिस पड़ गई तो? अरे वहाँ पुलिस नहीं होती, आज तो पुलिस वालों की छुट्टी है ना। ये चलो गाइस अभी पुलिस स्टेशन में चलता हूँ। सो गाइस आप देख सकते हैं पुलिस स्टेशन आ गया। चलो अब मैं पुलिस स्टेशन के अंदर से हैकिंग डिवाइस ले लेता हूँ जाके। चलो सिंचन अब हम अंदर जाते हैं पुलिस स्टेशन के। यहाँ गाइस अब हम अंदर जाते हैं और यहाँ पे तो कहीं भी नहीं है, यहाँ पे होगा वो हैकिंग डिवाइस। अरे यहाँ भी नहीं है, इस वाले कमरे में होगा। अरे सिंचन ये देखो ये कुछ है, चलो इसे उठा के देखते हैं।
यार चलो गाइस मैं इसे उठा के देखता हूँ और देख सकते हैं कि हैकिंग डिवाइस हो गया। चलो अब हम पॉक्सल स्टूडियो के दूसरे वाले स्टूडियो में चलते हैं क्योंकि मिलिट्री बेस वाली तरफ तो बहुत दूर है। चलो अभी हम उधर चलते हैं। तो गाइस अब तो कुछ ज्यादा ही आगे आ गए। यार मैं कुछ ज्यादा आगे आ गया। सो गाइस आप देख सकते ये है वो पॉक्सल स्टूडियो का दूसरा स्टूडियो। चलो अब मैं इसके अंदर जाता हूँ। अरे चलो गाइस अब हम इसके अंदर जाते हैं दूसरे स्टूडियो में। ये पॉक्सल स्टूडियो का पुराने वाला स्टूडियो है। इसमें तो शीशे भी नहीं है। चलो यहाँ देखते हो देख सकते हैं यहाँ पे एक पेन ड्राइव। चलो मैंने उठा लिया। अब मैं चलता हूँ अपनी बाइक में। सो गाइस अब हम मिलिट्री बेस में चलते हैं और गाइस जब तक मैं मिलिट्री बेस की तरफ जा रहा हूँ तब तक मैं आप लोगों को शाउट आउट देता हूँ। सो गाइस आज के वीडियो का सबसे पहला शाउट आउट जाते हैं क्राफ्ट गेमर्स को और दूसरे शाउट आउट जाते हैं एंड्रॉइड थक को और तीसरे शाउट आउट जाते हैं टी रेक्स गेमिंग को और चौथे शाउट आउट जाते हैं अध्ययन को। सो गाइस आप देख सकते हैं मैं इधर आ चुका हूँ। रुको रुको बाइक ये रुक क्यों नहीं रही। अरे सेंचा तुम इतने स्पीड में बाइक को क्यों चलाते हो। चलो गाइस अब मैं मिलिट्री बेस की तरफ जाता हूँ। अरे सेंचा दूसरी तरफ है मिलिट्री बेस। या मैं तो भूल गया था। और गाइस आप देख सकते हैं सामने मुझे कुछ दिखा है, लगता है यही हैकिंग डिवाइस है। और देख सकते हैं हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। अरे सेंचा हमारा मिशन कंप्लीट हो गया। चलो अब हम किरिल अंकल पे चलते हैं। सो गाइस आप देख सकते हैं सामने किरिल अंकल का घर आ गया। चलो मैं उनसे दूसरे मिशन के बारे में पूछता हूँ। अरे तुमने वो हैकिंग डिवाइस ढूंढ लिए। चलो अब मैं दूसरा मिशन देता हूँ तुम्हें। तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें $3,000 कलेक्ट करके लाने हैं। क्या $3,000 ये मैं कहाँ से लाऊंगा। अरे जहाँ मर्जी से कलेक्ट करके लाओ। सो गाइस आप देख सकते हैं किरिल अंकल तो $3,000 मांग रहे हैं उसे खोलने के लिए। चलो मैं $3,000 कहाँ से लाऊं, मुझे ढूंढने पड़ेंगे। अरे सेंचर हमारे बैंक में थोड़े पैसे पड़े हैं, वहां से उठा के ले आते हैं। यार चलो गाइस मैं बैंक में से उठा लेता हूँ। और ये बाइक कहाँ घुस गई हमारी। अरे इसे बाहर निकालना पड़ेगा। सो आप देख सकते हैं आ गई। चलो गाइस अब हम बैंक में चलते हैं फिर पैसे निकालते हैं वहां से। सो गाइस आप देख सकते हैं बैंक आ गया। मैंने तो बाइक अंदर ही घुसा दी। चलो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ। अरे यहाँ से निकलना नहीं है, यहाँ से पैसे निकालने हैं। यार पैसे निकालने ना, अभी मैं निकालता हूँ। सो गाइस यहाँ कंप्यूटर में थोड़े पैसे निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से। सो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पास पैसे हो चुके हैं बहुत सारे। चलो अभी मैं ये किरिल अंकल को जाके दे देता हूँ इसमें से। अरे सेंचर हमें तो बस $3,000 ही निकालने हैं, तुमने कितने सारे निकाल लिए। कुछ नहीं होता, चलो मैं ये किरिल अंकल को दे देता हूँ। सो आप देख सकते हैं मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है। अरे सिंचन अब तो मेरे रेंज को अनलॉक करना है। क्या किरिल अंकल अब रेंज को अनलॉक करने का टाइम आ गया। अरे हाँ अभी मैं अनलॉक करता हूँ उसे। चलो अब तुम रेंज पे क्लिक करो। क्या यहाँ पे कहे रेंज। अरे सिंचन ये तो मेरे नीचे अंकल के नीचे रेंज दिख नहीं रहा। यहाँ मुझे दिख रहे, चलो मैं उसे क्लिक करता हूँ। और गाइस आप देख सकते मैंने क्लिक कर दिया। अरे सिंचन आप तो जेल में आ गए। यार अब तो हमें रेंज अंकल को अनलॉक करना है। अरे तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बहुत तेज भगाऊंगा। क्या रेंच अंकल आप है। अरे हाँ मैं हूँ। अरे हमें तो रेंच अंकल मिल गए, हमने इन्हें खोल दिया। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे खोलने के लिए। अभी मैं बताता हूँ इन पुलिस वालों को। ये आ गया पुलिस वाला, अभी मैं इसे बताता हूँ मेरे पास इतनी खतरनाक गन है ना। और ये देखो मैंने इसे मार दिया, मुझे खुद भी कुछ नहीं होता, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। अरे रेंच अंकल आप ऐसा तबाही मत मचाइए। अरे तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तुमने मुझे खोला ना। अब देखना मैं इन्हें पुलिस वालों को कैसे बताता हूँ। मुझे इतने सालों से जेल में बंद रखा था, तुम्हारी वजह से मैं खुल पाया हूँ। अरे रेंच अंकल आप ऐसा मत करिए, अगर विकेशना को पता लग गया कि हमने आपको खोल दिया जेल में से छुड़वा दिया तो हमें बहुत मारेंगे। अरे तुम टेंशन मत लो, किसी को कुछ नहीं पता लगेगा। आप ऐसे मत कीजिए, हमें भी किसने बहुत मारेंगे। अरे तुम छोड़ो ना, तुम्हें कुछ नहीं होता है। चलो अभी तुम यहीं पे चले जाओ, मैं छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हें। अरे गाइस अब देख सकते हैं रेंच अंकल तो हमें छोड़ के चले गए। गाइस ये तो हमें मरवा देंगे। अरे और सेंचर ये तो हमें मरवाएंगे, अब विकेशना को पता लग गया कि हमने इन्हें खोल दिए फिर तो विकेशना हमें मौत डांटेंगे। या गाइस अभी मुझे लगता है सुड़को यहीं पे समाप्त करने का वक्त आ चुका है। और गाइस अगर आपको इसका पार्ट टू भी चाहिए कि हमने रेंच को अनलॉक किया और फिर विकेशना ने हमें क्या करा तो हमें कमेंट करके जरूर बताना। चलो गाइस अब हमें लगता है सुड़को समाप्त करने का वक्त आ चुका है। सो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। सो गाइस मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।